भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता गुंडागर्दी की राजनीति करते आए हैं और सोमनाथ भारती उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीएम केजरीवाल राजनीति बदलने की बात करते थे, पर आज आम आदमी पार्टी अपराधियों की सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी है। आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में अगर जरा भी शर्म बची है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सोमनाथ भारती को चौकीदार के साथ मारपीट करने पर उनको सजा सुनाई है, उनको विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया, निलंबित किया है। वास्तव में लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद दिन है जब एक ऐसी पार्टी जिसके नेता लगातार, चाहे वो चौकीदार के साथ हीन भावना करके मारपीट की बात हो या पत्नी के साथ प्रताड़ना देकर उनको कुत्ते से कटवाना या महिला पत्रकार को अभद्र बात करके उनको कोठे पर बिठाने की धमकी देना, इस तरह की बातें करना, ये आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की फितरत बन गई हो। मुख्यमंत्री को अगर जरा भी शर्म बची है तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको बता दें कि न्यायालय में आप नेता सोमनाथ भारती को चौकीदार के साथ मारपीट करने के आरोप में सजा सुनाई गई। इसी के साथ उन्हें विधानसभा की सदस्यता से भी निलंबित किया गया। इसको लेकर बीजेपी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। आदेश गुप्ता ने आपके कई कारनामों को गिनाते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज आपकी वजह से संविधान शर्मसार हो गया है।